Hey, what's up guys and welcome back to another video. And दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से MIUI 12 iOS themes part 3. और मैंने देखा यार इस सपोर्ट पे आपको काफी ये सपोर्ट मिल रहा है मेरे को एंड आप थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, तो मैंने सोचा यार इसका एक और पार्ट लेके आ जाए जो कि है पार्ट 3. एंड आज मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूँ MIUI 12 की कुछ कमाल की थीम्स. तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम चल जाते हैं आज थीम स्टोर के ऊपर एंड माई पेज विद थीम्स. तो जो आपको यहाँ पे फर्स्ट थीम देखने को मिल जाती है जो कि iOS वाली है, उस थीम का नाम है iOS 2 गाइड वर्जन 1. एंड जी आपको वो थीम देखने को मिल जाती है. तो यहाँ से इसे अप्लाई मार लेते हैं और देख लेते हैं आपको इसमें क्या देखने को मिलता है. तो यार ये थीम हो चुकी है अप्लाई एंड डन डन डन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसमें आप काफी कुछ चेंज कर सकते हैं. लाइक आपको इसमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इससे आप खुद आपको समझ आए तो आप खेल सकते हैं ऑप्शन से, काफी बढ़िया होते हैं. उसके अलावा यहाँ पे आपको iOS का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आइकन्स में भी आपको iOS वाले देखने को मिल जाते हैं. बस ये दोनों चेंज नहीं हुए क्योंकि ऑफिशियल वाला ये वाला है एंड डायलर का ऊपर है, मैंने यहाँ पे गूगल वाले लगा रखे हैं. ठीक है जी, तो ये आपको एक चीज देखने को मिलती है. उसके बाद विडजेट की अगर हम बात करें तो iOS वाला नहीं है आई नो, बट कोई नहीं, वी कैन हैंडल दिस. तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले स्टेटस मेन्यू के बारे में, तो वो भी आपको यहाँ पे iOS वाला देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे काफी बढ़िया लुक प्रोवाइड कराता है. नेक्स्टली अगर हम बात कर ले कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो यार इसमें थोड़ी प्रॉब्लम लगी मेरे को. ये बिल्कुल वाइट है, जब तक उसको टैप नहीं करते इसका आपको कलर समझ नहीं आएगा. तो आप इस कंट्रोल सेंटर को जो अगली थीम बताऊंगा उससे रिप्लेस कर लेना, काफी बढ़िया हो जाएगा. नेक्स्टली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इस साइड, तो ये सेम है. नेक्स्टली अगर हम चल जाए सेटिंग्स मेन्यू के ऊपर, तो वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि आपको iOS वाला ही लुक प्रोवाइड कराता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है. नेविगेशन बटन में बीच में एप्पल का आइकन है तो वो आपको देखने को मिलता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बाहर रखो जिससे रियल लुक आता है. उसके बाद अगर हम बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो दोस्तों वो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, iOS वाली है. ताला खोलिए एंड आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा. इस साइड स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर है एज यूजुअल, ऊपर स्वाइप करेंगे तो फोन अनलॉक, एंड अगर आप यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर ये वाला आ जाएगा. तो ये थी भाई आज की थीम. अब चल जाते हैं डायलर भी चेकआउट कर लेते हैं. तो डायलर मेन्यू अगर हम बात कर ले तो वो आपको iOS वाला ही देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये काफी बढ़िया लुक आपके फोन को प्रोवाइड करा देता है. तो भाई ये हो गई हमारी आज की फर्स्ट थीम, एंड तीनों थीम्स के अंदर बूट एनिमेशन है, तो मैं आपको एक ही की दिखाऊंगा एट लास्ट. तो सबकी जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी मैं करना नहीं चाहता. नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड थीम के बारे में, तो यहाँ पे चल जाते हैं थीम स्टोर के ऊपर. एंड यहाँ पे जो जाके आपको सेकंड थीम देखने को मिल जाती है वो काफी लोगों की फेवरेट थीम है, एंड या अगर आपने गेस कर लो तो बहुत बढ़िया. इस थीम का नाम है iOS बोस वर्जन 12. इसका वर्जन 11 वर्जन 10 दोनों मैंने शोकेस करा था और बहुत बढ़िया थीम निकली थी. तो अब इसका जो है सेकंड वर्जन 12th वर्जन आ चुका है, तो यहाँ से इससे भी अप्लाई मार लेते हैं एंड देख लेते हैं आपको इसमें क्या कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है. नेविगेशन की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं सेम ही है एप्पल वाले. ठीक है जी, उसके बाद मेनली हम बात कर लेते हैं इसके होम स्क्रीन के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे iOS वाले विजेट देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपके सामने फिर से वही कुछ ऑप्शन है जिसे आप खुद ट्राई कर लीजिए. ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आइकन्स होम स्क्रीन लेआउट के बारे में. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी बात है. एंड आइकन्स भी आपको यहाँ पे प्योर iOS वाला देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. इसकी ग्रिड आप बस 4 वाली सिस्टम में सेट कर दो एंड थोड़ा झोल करो और सेटअप पूरा है, पूरा iOS लगता है फोन. तो ये काफी बढ़िया थीम है. उसके बाद स्टेटस बार की अगर हम बात कर ले तो ऊपर वाले आइकन सब देख सकते हैं प्यार प्योर iOS है, काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को ये चीज. और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है. एंड मैं कह रहा हूँ कि पिछली वाली थीम अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसका कंट्रोल सेंटर इसको रखना क्योंकि ये ज्यादा सूट करेगा. नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं अपने सेटिंग्स मेन्यू के बारे में, तो सेटिंग्स मेन्यू आपको कुछ इस टाइप का देखने को कहाँ गया इधर, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का सेटिंग मेन्यू देखने को मिल जाता है जो भी iOS से पूरा इंस्पायर्ड है. नेक्स्टली हम बात कर ले डायलर के बारे में, तो यहाँ पे डायलर में आपको बिल्कुल iOS वाला लुक प्रोवाइड कराया गया है. तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पे हम चल जाते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर एंड ये आ गई थीम. सो ताला अनलॉक हुआ एंड आप फोन अनलॉक कर सकते हैं. इधर स्वाइप करने से आई थिंक कुछ नहीं हो, हाँ इधर से म्यूजिक आएगा आपके सामने एंड डबल टैप से भी आएगा, और अगर आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका वही अपना कंट्रोल सेंटर आ जाएगा. तो ये काफी बढ़िया थीम लगी मेरे को, iOS बेस्ड है एंड कह सकते हैं कि ये मेरे को अभी तक बेस्ट लगी. चलो तो ये हो गई भाई आज की दो थीम्स. अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल, अरे मैंने भाई एनालिटिक्स में चेक किया था आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो, तो यार ये क्या कर रहे हो, ये मेरे को थोड़ा नुकसान हो रहा है, इससे मेरा मूड खराब हो जाता है. देखिए तो यार प्लीज अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को थोड़ी भी पसंद आ रही है तो उस वाले बटन को फोड़ दो,
अभी जाके लाल वाला बटन फूट जाना चाहिए एंड साथ में घंटे में टन की आवाज आनी चाहिए तभी मजा आएगा। तो जाके यार अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ एंड बेल आइकन दबाओ ताकि आप हो जाओ नोटिफाइड जब भी मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूँ। तो ये सारे काम जरूर से कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब बात कर रहे थे अपनी लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में जो कि है थर्ड थीम। तो यहाँ पे चल जाते थीम स्टोर के ऊपर एंड जो लास्ट एंड फाइनल थीम आपको देखने को मिल जाती है वो आप कह सकते हैं एक तरह से डार्क थीम है iOS की। तो ये जो थीम है इसका नाम है iOS 13.3.6 Pro एंड ये भी काफ़ी कमाल की थीम है। तो यहाँ पे हम चल जाते हैं अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं एंड ये हो गई अप्लाई, ठीक है जी। तो ये हो चुकी है अप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं इस थीम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें पीछे बहुत ही बढ़िया सा सैटर्न का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, मेरा फेवरेट प्लैनेट है रिंग्स वाला। तो ये बहुत ही कमाल का मेरे को वॉलपेपर लगा जो इन्होंने पीछे लगा रखा है जो कि सुपर वॉलपेपर का एक तरह से स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं विडजेट्स iOS 14 वाले आपको वहाँ पे विडजेट्स देखने को मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आइकन्स में ऐप स्टोर का अगर आइकन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 3D सा लुक दिखेगा बहुत आराम से देखने पे, तब फोकस नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे आपको एक 3D लुक दिखेगा जो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों बाकी आइकन्स आपको यहाँ पे थोड़े वैसे ही देखने को मिलते हैं iOS वाले, बट इसमें एक ट्विस्ट है क्योंकि पिछले वाले जो दो थीम्स थी उसके अंदर ये जो आइकन्स हैं चेंज नहीं हो रहे थे, बट इस थीम ने इन दोनों आइकन्स को भी चेंज कर दिया। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ये गूगल वाले डायलर हैं तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया बात लगी। नेक्स्ट भी यहाँ पे हम बात कर ले डायलर मेन्यू के बारे में जो रियल वाला है तो वो आपको इसमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है पर प्योरली आपको iOS वाला देखने को नहीं मिलता, पर मेरे को तो अच्छा लगा। नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स मेन्यू के बारे में। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मेन्यू को जिस टाइप का देखने को मिलता है, इसकी ग्रेडिंग अलाइनमेंट थोड़ी खास नहीं है बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना होम स्क्रीन इसकी बेस्ट है और बाकी सारा सिस्टम पिछली वाली थीम का बेस्ट है और उससे पिछली वाली थीम में भी कुछ बेस्ट है। तो हर थीम में एक एक चीज़ बेस्ट है, सबको जोड़ के एक थीम बना लो काम है खत्म, ठीक है जी। तो अब बात करें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के बारे में तो वो आपको डार्क देखने को मिलता है, पर अगर आपको डार्क थीम ट्राई करनी है iOS के अंदर तो दिस इज द वन फॉर यू, आप यूज़ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लें यहाँ पे हम स्टेटस बार के बारे में तो वो यहाँ पे भी आपको काला काला देखने को मिलता है तो काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्टली यहाँ पे हम बात कर ले दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है एंड इसका ताला काफ़ी कमाल का है जो कि एक ही ताला है एंड एनिमेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीछे वॉलपेपर भी पैरालैक्स इफेक्ट वाला देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। लास्टली हम बात कर लें इसकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के बारे में तो यहाँ एज ऑलवेज आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इधर आप स्वाइप करेंगे तो आपके सामने स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा, तो कुछ भी कमी नहीं है इस थीम के अंदर। ऊपर स्वाइप करिए एंड आपका फोन यार अनलॉक हो जाएगा। तो भाई यही थी आज की थीम्स एंड आज की वीडियो। बूट एनिमेशन दिखाना मैं भूल गया, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेकआउट कर देते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बच तो नहीं किया ना, नहीं बचा तो ठीक है। आप बूट एनिमेशन की बात आ गई है तो मैं इसको फटाफट से बूट मारता हूँ एंड आपको मैं बूट एनिमेशन पे सीधा लेके चलता हूँ। आपको बूट एनिमेशन कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सेव आ गया है यहाँ पे कटा हुआ और वो चमक भी रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये सेव एंड ये अगली बूट एनिमेशन इसकी। एंड कई लोग बोलते हैं मेरे फोन में बूट एनिमेशन सपोर्ट नहीं कर रहा, वीडियो पूरी देख लिया करो यार। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि Redmi Note 7 Pro और उसके आगे के डिवाइसेज में ही सपोर्ट करती है सिर्फ Redmi Note 8 को छोड़ के, तो ये आपको देखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो अब जिसको अनलॉक कर लेते हैं। तो भाई यही थी आज की थीम्स एंड आज की वीडियो। तो अगर आपको आज की थीम्स और आज की वीडियो जरा सी भी माइनस वाली साइड में पसंद भी आ गई हो ना तो लाइक मारे बिना मत जाना क्योंकि यार उससे मेरा नुकसान हो जाता है। एंड कमेंट करके बताओ आपको कौन सी थीम सबसे बढ़िया लगी एंड अगर आपको थीम्स के नाम नहीं याद आए या आपको लिंक चाहिए तो चेक करो डिस्क्रिप्शन, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मिल जाएंगे। और वरना आपने वीडियो देख ही लिए मैं आपको नाम अभी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे जब मैं एडिट करूंगा डाल दूंगा तो वहां से भी आप देख के जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखा करो, नहीं देखते थोड़ा मेरा नुकसान हो जाता है तो प्लीज हेल्प करो, थोड़ी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप नहीं किया तो। अकॉर्डिंग टू चार्ट आप लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, जाके अभी के भी सब्सक्राइबर बटन को फोड़ दो एंड घंटा भी फोड़ देना। तो मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टाटा बाय बाय।